5 साल बाद 100% मेडल छात्राओं को। पाँच साल बाद 100% मेडल विश्वविद्यालय से छात्राओं में ही वितरित होगा, ऐसी संभावना जताई है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। बलिया स्थित जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शिरकत कर रही प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने संभावना व्यक्त की है कि अगले 5 सालों में 100% मेडल छात्राओं के नाम होगा। नमस्कार प्रियजनों, प्यारे गोरखपुर वासियों, मैं डॉक्टर पंखुरी जौहरी श्री राम जानकी नेत्रालय से। बीता हुआ वर्ष हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस लिए हुए था, सजोए हुए था। हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आशा करती हूँ आगे आने वाला वर्ष हम सबके लिए सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए, सभी लोगों को उन्नति प्रदान करें। मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि हम सब लोग साथ में आगे बढ़ें और प्रसन्न रहें। नमस्कार। लेकिन हम सब लोगों ने देखा मित्रों, और मैंने तो अब तक कई दीक्षांत समारोह में मैं गई हूँ, और अभी हमारे राजन जी भी बोलते थे कि पूरे देश में वो स्थिति है। क्या स्थिति है आप शायद समझ गए होंगे, 80-20 का रेशियो, 80% मेडल कौन ले जाता है जरा बोलिए ना, लड़कियां। और लड़कों के लिए कितना छोड़ा, 20%। और मुझे लगता है कि 5 साल के बाद शायद सौ % वो ले जाएगी। जागो भाई और जागो, कुछ सीखो, क्या होगा। और बार बार मैं हमारे कुलपतियों को बोलती हूँ कि भाई आप PhD तो करवाओ इस विषय पर, क्योंकि ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। और मैं तो महिला हूं तो मुझे तो अत्यंत खुशी होती है कि हमारी लड़कियां आगे बढ़ती हैं। आपको बता दें कि महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल ने बलिया स्थित जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के मंच से 34 गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं को मेडल दिए, जिसमें 28 छात्राएं थी और मात्र 6 छात्र शामिल थे। महामहिम राज्यपाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश के सभी कुलपतियों को इन आंकड़ों के साथ इस विषय पर अनुसंधान करने की भी सलाह दे रखी है। उन्होंने छात्रों को नसीहत देते हुए जाग जाने को कहा, क्योंकि वर्तमान में यह आंकड़ा 80-20 का है। आइए सुनते हैं महामहिम राज्यपाल को। KIPM परिवार की ओर से आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। Wish you a very happy new year। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री श्री ने पूरे भारत के युवाओं को, महिलाओं को कहा था कि 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच चला हर घर तिरंगा। क्या हवन किया था, तिरंगा बनाइए और इंडिया वगैरह वगैरह निकालिए, तिरंगा को प्यार करिए, तिरंगा के साथ सेल्फी करिए और सेल्फी मुझे भेजिए। और ये सब दृश्य आप सब ने देखा है कि कैसा वातावरण बन गया था भारत में, घर घर, हर गली, हर स्कूल में तिरंगा लेकर हमारे बच्चे घूमते रहते हैं। ये तिरंगा हमारा एक प्रतीक नहीं, लेकिन हम स्वाधीनता का प्रतीक है, हम स्वतंत्रता का प्रतीक है,
उसको बचाए रखना है, इसी वजह से कार्यक्रम हुआ। और कितनी सेल्फी भेजी आपको पता है? देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।